अतिथि श्रीमान साधु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थिति नगर पंचायत मऊ के अध्यक्ष श्री ब्रजेश जी, देसरा टाइम्स के संपादक श्री राजेश जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष श्री केवी सिंह जी और उपस्थित मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले श्री मगनलाल जी को बधाई देता हूँ, देसरा टाइम्स के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक वर्ष डलमऊ कार्यालय का पूरा किया है और बड़े अच्छे से अनेक वर्षों से वो इस जगत में इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। अभी तक जो चर्चा सामने आई कुछ संदर्भ लेकर उसका मैं अपनी बात कुछ कहूंगा। वास्तव में अभी मेरे एक मित्र ने कहा ये चौथा स्तंभ है, अनेक प्रकार के विचार हैं, मैं तो समझता हूं कि चार स्तंभ कौन से हैं वो चारों स्तंभ अपनी अपनी तलाश करें। ये साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र तो ये जो स्तंभ नहीं है, ये तो धरातल है जिसमें ये सारे खंभे टिकते हैं, चाहे वह विधायिका हो, न्यायपालिका हो, और चौथा खंभा अपने आप को ये अपनी पहचान कर ले। लेकिन हम एक धरातल हैं, हम धरती हैं, अगर हम नहीं होंगे लोकतंत्र नहीं होगा। आजादी के बाद से और स्वाधीनता संग्राम में कलम ने जो भूमिका निभाई है, कभी जय हो सकती है, कभी पराजय हो सकती है, कलम के लिए, रचना धर्मियों के लिए, सृजनशील लोगों के लिए जय। जय और पराजय का कोई मूल नहीं होता है, मूल होता है इस बात का कि हमने जो काम किया है, हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमने जो संघर्ष किया है वह कितने समर्पण के साथ किया है, हम अपना कितना संकल्प उसके साथ जुटा पाए, मूल इस बात का होता है। अनेक बार तमाम प्रयासों के परिणाम अति न्यून आते हैं, बहुत छोटे आते हैं, लेकिन वो निराशा का कारण नहीं बनना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के जीवन में उतार चढ़ाव ये आते रहते हैं, स्वाभाविक है, इसी से इतिहास बनता है। लेकिन उस उत्थान और पतन के समय में उस देश के, उस समाज के लोग कैसे रहे, कितने लोगों ने जय का भरण कर लिया, जय की पाली में चले गए, और कितने लोग अपने धर्म का निर्वाह करते हुए, धर्म का अर्थ मेरी प्रार्थना है यहां सीमित अर्थों में न लिया जाए, धर्म बहुत बड़ी चीज है, कितने लोग भले ही उनकी संख्या बहुत कम रही हो लेकिन वह अपने नैतिक मूल्यों के पक्ष में खड़े रहे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उस पक्ष में बहुत बड़ी भीड़ चली गई। भीड़ तो हमेशा उस पक्ष में जाती ही है जहां कुछ पुरस्कार बटा करते हैं। आपके जिले का गौरवशाली इतिहास मुझे पढ़ने का अवसर अभी मिला। वैसे तो मैंने एक मेरे मित्र हैं शैलेंद्र प्रताप जी, मेरे जिले में कभी वो पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, उनके माध्यम से उन्होंने कई पुस्तकें मुझे भेंट की, अनेक साहित्यिक समारोहों में, कवि सम्मेलनों में मुझे वो मिलते रहे, साहित्य से भी हैं। किंतु अभी जो एक ग्रापे का यहाँ सम्मेलन हुआ रायबरेली में, उसमें जो पत्रिका छपी उसमें कुछ इतिहास लिखा गया, मैंने उसको बड़े गौर से पूरी पत्रिका को पढ़ा है। ये तो वो धरती है रायबरेली की जहां इतिहास को पानी नहीं, पसीना नहीं, रक्त दे करके लिखा गया, इस धरती को मैं नमन करता हूं। आज जो राष्ट्र के सामने संकट खड़ा है, और राष्ट्र के सामने जो संकट है उससे पहले मैं इस बात पर रहना चाहता हूं कि हम जिस जगत में हैं उसका क्या हाल है। यहां अधिकतर अधिकांश लोग पत्रकार हैं, हमारे कुछ और मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रचनाधर्मिता को, सृजनशीलता को,
प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित रूप से वह भी इसी जगत के लोग माने जाए। आजादी के बाद से हमने अनेक उतार चढ़ाव अखबारी जगत में, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें देखे हैं। लेकिन मित्रों, जब लक्ष्य केवल यह रह जाए, यह सेवा का क्षेत्र है, यह पूंजी का क्षेत्र नहीं है। सेवा का क्षेत्र अगर पूंजी के क्षेत्र में बदल गया तो फिर दशा क्या होगी, हम सहज में विचार कर सकते हैं। सेवा का क्षेत्र रहे। मैंने आगे अनेक बार बड़े अखबार मालिकों से पूछा, बड़े टीवी चैनल्स के मालिकों से पूछा कि पूंजी निश्चित रूप से चाहिए, संसाधन निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन कितने चाहिए, एक सीमा है। हम अगर संवेदनाओं से भरे नहीं रहे,